بسم الله الرحمن الرحيم इमाम तकी ते नकी नूर मैं सब नु गुनामा तो पाक करना चाहना वा वा अहले बैत वालियो मैं तुहाडी अजमत तो सदके ते कुर्बान जावा ते सारा जहान कुर्बान कर देवा महल्ला रहमानाबाद अंदर आन वालियो ते किताबो सुन्नत दियो परवानियो तीन तरह के लोग ने जेड़े जनाब अपनी अपनी जुबान चो मुख्तलिफ बातां करते ने लोगों नु गुमराह करते ने पहला गुरोह ओए जेड़े अहले बैत अंदर आप दियां बीवियां नू शामिल नहीं करदे अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी मुखालफत करदे ने कुरान ओ हदीस दा इनकार करदे ने ते दूसरा गुरोह ओए जेड़े अहले बैत अंदर आप दियां बेटियां नू शामिल नहीं करदे हालांकि आप दियां चार बेटियां किन्नियां गर्ज के बोलो किन्नियां चार बेटियां ते चार अहले बैत अंदर शामिल ने वो भी अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे मुखालफत करते ने कुरान ओ हदीस दा इनकार करते ने ते तीसरा ते आखरी गुरो ओए जेड़ा अहले बैत नू मनदे सिर्फ पांच तन नू मनदे साडा अकीदा ते साडी मुहब्बत आ अहले हदीस दा बच्चा बच्चा कहिंदे असी पांच तन नू भी मनने आ ते सब तन नू भी बोलो बोलो पांच तन नू भी मनने आ ते सब तन नू भी मनने आ मैं कुर्बान सिर्फ पांच तन नू मनदे ने ओ पांच तन दे अंदर हसन ते हुसैन सैयदा फातिमा शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो नो जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू सिर्फ अहले बैत अंदर शामिल करदे ने इन्हां नू हज दरवा मुश्किल कुशा बिगड़ियां बनान वाला भी मन देने हालात हालांकि मुश्किल कुशा हज दरवा इको ही बात है अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु हुवल हय्युल कय्यूम मेरा तो कायद हबीबुर रहमान कह गया अपने अंदाज अंदर खुदा नू मिलाना मुहम्मद ने दसिया खुदा नू मिलाना मुहम्मद ने दसिया ते दीदार पाउना मुहम्मद ने दसिया भुखियां नू रोटी ते तिसियां नू पानी भुखियां नू रोटी ते तिसियां नू पानी खिलाना पिलाना मुहम्मद ने दसिया ओ मुस्तफा दा नाम आए गूंज पै जाए मस्जिद गूंज जाए दोनों हाथ उठा के दरा आड़ गुआड़ ख्याल रखिया जे दरा हो जिन्हों मेरे मुस्तफा दे नाल प्यार है दोनों हाथ उठा के मेरे महबूब दा नाम भी लैने आप दी जात ते दुरूद भी पहुंचाने लोग कहिंदे ने अहले हदीस नबी पाक दी शान नहीं बयान करते आप दी शान दे मुनकर ने जरा तुसी सबूत देने मुहब्बत ते प्यार नाल बोलने भुखियां नू रोटी ते तिसियां नू पानी भुखियां नू रोटी भुखियां नू रोटी ते तिसियां नू पानी खिलाना पिलाना मुहम्मद ने दसिया ते दीदार पाउना मुहम्मद ने दसिया ते कलमा शहादत सूली ते चढ़ के ते कलमा शहादत सूली ते चढ़ के पढ़ना पढ़ाना मुहम्मद
ने दसिया ते छिड़े जद मुशरक दी तरफों लड़ाई शिरक नू मिटाना मुहम्मद ने दसिया मैं कुर्बान जावा ईमान नाल दसिया जे मुश्किल कुशा कौन है सारे नहीं बोले डर के बोल दियो मुश्किल कुशा कौन है हाजत रवा इको है ते अल्लाह है वक्त बड़ा मुख्तसर है नहीं तो मैं तुनू कुरान सुनांदा अल्लाह दी यकताई ते मुश्किल कुशाई ते ध्यान करे आज वक्त बड़ा मुख्तसर है मेरे नबी अली सलातु वसलाम दे कई सहाबानू हसन ते हुसैन सैयदा फातिमा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो और मेरे मुस्तफा अली सलातु वसलाम नो सिर्फ अहले बैत अंदर कई लोग मनदे ने इन्हां नू मुश्किल कुशा ते हाजत रवा भी मनदे ने अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी मुखालफत भी करदे ने कुरान और हदीस दा इनकार करदे ने हुण शको शुबहात दूर करन ध्यान करिया जे अहले हदीस दा एक अदना जिहा तलब इलमा मैं कोई खतीब ते अदीब ते मुबल्लग कोई नहीं ये सब मेरे रब दियां रहमतां ने पर ध्यान करिया जे दलील देन लगा वा सब नालो पहला खाल के कायनात ने बाईए सिपारे अंदर सूरत हिसाब अंदर पूरा रुकोई अहले बैत शान अंदर उतार दिता है इन्नमा युरीदुल्लाहु अल्लाह फरमांदे ने सोनिया मैं रब तेरे घर वालिया नू अहले बैत वालिया नू घर तो मुराद सब नालो पहला आप दियां बेवियां शामिल ने बोलो बोलो आप दियां मोमिना दिया मामा बेटे बोलनगे मोमिना दिया मामा शामल ने मैं कुर्बान जावा आप दिया बेटियां शामल ने आप दे निवासे शामल ने हजरत फातिमा हजरत हसन हुसैन शामल ने इमाम मूसा ते इमाम तकी नकी शाबा शामल ने मैं कुर्बान जावा जितने आले रसूल दे अंदर आंदे ने तमाम अहले बैत अंदर शामल ने मैं कुर्बान जावा बुखारी शरीफ अंदर लिखे आए वाह इमामे बुखारी अल्लाह तेरी कबर नू नूर नल मुनव्वर फरमा दे इमामे बुखारी ने कमाला कर दितियां ने मैं कुर्बान जावा मेरे आका अली सलातु वसलाम दी शादी जदो सैयदा ज़ैनब बिनते जहश रजी अल्लाह तआला अन्हा दे नल होई ना ते मेरे महबूब अली सलातु वसलाम अपनियां तमाम बीवियां दे कोल दूसरे दिन तशरीफ लै करके गए ने मेरे नबी ने अपनी नबुवत वाली जुबान चो केड़ी नबुवत वाली जुबान जिंदे मुतल्लक कुरान कहिंदा है वन नजमी दावा मगजल्ला साहिबकुम वा मगायंती को अनिन हवा इन हुआ इल्ला वहयू सलातो सलाम दूसरे दिन अपनिया तमाम बीवियां दे कोल मोमिना दियां मामा दे कोल तशरीफ लै करके गए ने मेरे नबी ने अपनी नबुवत वाली जुबान च जा करके मोमिना दियां मामा नू सलाम बुलाया ते लफ्ज़ां ते गौर करिया जे अस्सलाम अलैकुम अहलल बैती अहलल बैती व रहमतुल्लाह ओ मेरे घर वालियो ओ मेरे घर वालियो तुहाडे ते अल्लाह दी रहमत बरसदी रवे ओ मेरे अहले बैत वालियो तुहाडे ते अल्लाह दी रहमत बरसदी रवे ते इमामे मुस्लिम ने कुछ अजाफा कर दिता है इमामे मुस्लिम ने सही मुस्लिम शरीफ अंदर लिखे है मेरे नबी ने अपनी जुबान चो ए अल्फाज भी इस मौके ते इस्तेमाल किए सन कैफ अंतुम या अहलल बैत कैफ अंतुम या अहलल बैत ए मेरे अहले बैत वाले और तुहाडा हाल चाल
मजाज किस तरह दा है। मेरे नबी ने दसिया है अहले बैत अंदर सब नालो पहला आप दियां बीवियां ते मोमिना दियां बोलिया जे ना ओए मोमिना दियां मामा शामल ने मैं कुर्बान जावा। ते तीसरी हदीस बुखारी शरीफ अंदर मौजूद है जान दे ओ मोमिना दी मां उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ते जदो तोमत लगान वाले तोमत लगाई सैयदा आयशा दी अखां अंदर भी आंसू आ गए। अज मेरे महबूब दियां अखां अंदर भी आंसू आ गए। सैयदा आयशा घर अंदर बैठ के रो पीदियां सन ला मेरे महबूब सैयदा आयशा नाल गल नहीं करया करदे सन ला। ते केड़े वेले खतीबे एशिया एम बिलाल तबस्सम साहब ध्यान करया जे केड़े वेले खतीबे एशिया कारी अब्दुल हफीज फैसलाबादी रहमतुल्ला अलैह याद आ गए। मेरा तो खतीबे एशिया गली गली कह गया उच्ची अजमत है अम्मी आयशादी जेड़ा माँ ऐशा नु मन दे दोनों हाथ उठा के माशाल्लाह खतीबे पाकिस्तान मेरी दिन जान हजरत मौलाना वकास रहमानी साहब तशरीफ ले आए यासर मदनी साहब तशरीफ ले आए अल्लाह ना कबूल फरमाए। जेड़ा माँ जी आयशा सिद्दीका नु मन दे दोनों हाथ उठा के ते जिन्ने माँ दा दुध पीता है डब्बे वाले दुध वाला ना बोले बशक ना बोले जरा प्यार ते मुहब्बत नाल बोलने उच्ची अजमत है अम्मी आयशा दी शेख हमजद साहब तुसी भी बोलने उच्ची अजमत है अम्मी आयशा दी उच्ची अजमत है अम्मी। जब तक शेख हमजद साहब कुर्सी ते बैठे हाथ नहीं उठाएंगे इस जुमले तो अगे नहीं चलांगा उच्ची अजमत है अम्मी आयशा दी जेड़ी हर मोमन दी ओए मां दिसे जेड़ी हर मोमन दी ओए मां दिसे सिद्दी गाए कारिया हाफिदा आलिमा दिसे ओए उच्ची अजमत है अम्मी आयशा हर मोमन दी ओए मां दिसे। मेरे नबी जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी प्यारी बीवी ते मोमिना दी मां सैयदा आयशा सिद्दीका ते तोमत लगान वाले तोमत लगा दीती है ते सैयदा आयशा ते जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा प्यार किन्ने मुहब्बत किन्नी है। इत्थे मुहब्बत दी गल दस जावा सैयदा आयशा कहंदियां ने एक महीना गुजर गया आका गल नहीं करदे बल्कि एक दिन आका तशरीफ ले आए आका फरमा दे ने आयशा अगर तू गलती कर बैठी है ते रब कोलो मुआफिया मंग लै। अज मोमिना दी मां आयशा सिद्दीका दी अखां च आंसू आ गए ने सैयदा आयशा कहंदियां ने सोनिया अज तुसी भी इस तरह दियां गल्लां करन लग पए हो। सैयदा आयशा कहंदियां ने आका गल नहीं करदे आका मैनू बुलांदे कोई नहीं दे ते मैं आका दे कोलो इजाजत तलब कीतियां या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू इजाजत दे दियो मैं अपने बाप अबू बकर सिद्दीक दे घर अंदर चली जावा। ते सैयदा आयशा फरमांदियां ने जदों आका मेरे नाल नाराज होंदे सन ना नाराज होंदे सन ते आका फरमांदे सन आयशा चली जा ते जदों आका मेरे ते खुश होया करदे सन प्यार नाल फरमाया करदे सी आयश चली जा आयश चली जा। सैयदा आयशा कहंदियां ने मैं समझ गई मेरे आका मेरे ते बड़े नाराज ने। सैयदा आका फरमांदियां ने घर अंदर गई बाप अबू बकर भी इस तरह चार पाई ते बैठा है मेरी मां भी चार पाई ते बैठी है अखां बरस रही ने अखां अंदर आंसू ने इधर मेरे नबी ते यार बड़े परेशान ने मदीने दे जालम मेरे नबी नू आ करके तान मेरे नबी दे यारां नू ताने देंदे ने सियाबा बड़े परेशान ने सियाबा दियां अखां अंदर भी आंसू आ जांदे ने पर लोगो वाह सैयदा आयशा मैं तेरी अजमत
ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਜੇ ਸੈਯਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ ਅਸਮਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਰੱਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਸੋਨਿਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਬੀ ਦਾ ਯਾਰ ਉਮਰ ਵੀ ਤੜਪ ਉੱਠਿਆ, ਸੋਨਿਆਂ ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਖਾਬ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋਨਿਆਂ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਸੋਨਿਆਂ ਕੰਮ ਸਦਾ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਉਮਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿਆਬਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਆਇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਬੀ ਚੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਆਕਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਬੀ ਚੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ, ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਆਇਸ਼ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਸੈਯਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਸੋਹਣਿਆ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੈਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਇਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਗੈਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਗੈਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਾਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਏ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਇਸ਼ਾ ਲਫਨਾ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਆਇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਸੈਯਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਤੇ ਤੋਹਮਤ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸਿਹਾਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਤਬਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਰਸ ਪਈਆਂ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਦਰੇ ਮੁਨੀਰ ਵੀ ਰੋ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਹਾਬੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ 'ਤੇ ਤੋਹਮਤ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ 'ਤੇ ਤੋਹਮਤ ਲਗਾਈ ਹੈ? ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੋ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਸੱਲੱਲਾਹੋ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ 'ਤੇ ਤੋਹਮਤ ਲਗਾਈ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਅੰਦਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਮਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਬੋਲੋ, ਮੋਮਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਔਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੈਂ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਨੌਕਰ, ਮੈਂ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਨੌਕਰ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਸਿਹਾਬਾਂ ਦਾ। ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ, ਲੋਕ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਖਰਾਫਾਤ ਬਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਨੱਕ ਡੋਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਗੂੰਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਨੌਕਰ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਸਿਹਾਬਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਨੌਕਰ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਸਿਹਾਬਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਜੰਨਤੀ ਲੋਕ ਗੰਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਜੰਨਤੀ ਲੋਕ ਗੰਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਕੀਦਾ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਨੌਕਰ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਸਿਹਾਬਾਂ ਦਾ। ਜੰਨਤੀ ਲੋਕ ਗੰਨੇ ਸਾਰੇ, ਅਕੀਦਾ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ।
मुहम्मद दे घराने दी साडे दिल विच मुहब्बत है, मुहम्मद दे घराने दी साडे दिल विच मुहब्बत है, मुहम्मद दे घराने दी करां मैं सारी उम्रां नौकरी इस आशियाने दी करां मैं सारी उम्रां नौकरी इस आशियाने दी अली हसन ते जहरा अली हसन ते जहरा ए विरसा अहल ईमानदार मैं अहले बैत दा नौकर मैं नौकर हां सहाबादार ए जन्नती लोग ने सारे अकीदा हर मुसलमान दार मैं कुर्बान जावां खुड़ियां वाली ध्यान करे आज तवज्जो करे आज जे कुछ बातां रह गई 9 सितंबर दा खुतबा जुमा सादक सिटी होएगा बाकी बातों उत्थे करांगे ध्यान करे आज तरा मैं कुर्बान जावां अहले बैत अंदर सब नालो पहला आप दियां बीवियां शामिल ने मेरे नबी ने नहीं खुद शामिल कीतियां बल्कि आसमान वाले रब ने ऐलान करके किया अहले बैत अंदर मेरे नबी दियां 4 बेटियां भी शामिल ने मेरे नबी दे निवासे हजरत हसन ते हुसैन भी शामिल ने तुसी पुछोगे किस तरह बुखारी मुस्लिम अंदर हदीस मौजूद है दीगर हदीस दियां किताबां अंदर हदीस मौजूद है मेरे आका मोमिना दी मां सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह खुदाल अन्हा बयान करदियां ने मेरे महबूब ने ना सिया रंग दी चादर अपने जिस्म ते लपेटी ध्यान करे आजे ते सुबह दा वक्त थोड़ी देर गुजरी ना मेरे नबी दा निवासा हसन तशरीफ ले आया ओ नबी दा निवास है ओ हसन नबी दा निवास है मेरे नबी हसन दी वजह तो सजदा लंबा कर देंदे सलना थोड़ी देर गुजरी मेरे नबी दा निवास हुसैन तशरीफ ले करके आया ओ मेरे नबी दा निवास है करबला वाले की जान देने हुसैन दी असमत किन्नी है करबला वाले की जान देने हुसैन दा मुकाम किन्ना है करबला वाले की जान देने हुसैन नु मेरा महबूब अपने सीने ते खड़ाया करदा सी करबला वाले की जान देने हुसैन नु प्यास लगदी सी मेरा नबी अपनी अपने मुंह चो जुबान कढ़ के हुसैन दे मुंह अंदर पा देंदा सी करबला वाले की जान देने हुसैन दी असमत किन्नी है करबला वाले की जान देने और लोग कहंदे ने और खतीब बयान करदे ने करबला दा मैदान सी हुसैन पानी तो तरस गया सी मस्जिद च खलावा और रब्बे मुहम्मद दी कसम उठा करके कहना वा मेरा हुसैन पानी तो नहीं तरसया सी पानी तरस गया सी हुसैन दे होंठां नूं लगन वास्ते हाय पानी तरस गया सी उस होंठां नाल मैं भी लग जावां जिस होंठां दे नाल मेरे मुहम्मद दी जुबान लगदी रही है वाह हुसैन मैं तेरी अजमत तो कुर्बान जावां मेरे नबी ने हजरत हुसैन नूं भी चादर दे नीचे बिठा लिया खुड़ियां वाली ध्यान करे आजे थोड़ी देर गुजरी मेरे नबी दे दिल दा टुकड़ा सैयदा फातिमा फातिमा बतूल सैयदा फातिमा तशरीफ ले करके आईया ने मेरे पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु कह लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लड़ लगियां सो तर गईयां वो पार सलामत गईयां जो लड़ लगियां सो तर गईयां तुसी नबी पाक ते दरूद नहीं पढ़ते हो मैं तुहानू बिदार करना चाहना अपने खुतबा तो कबल तेरा प्यार ते मुहब्बत नाल तशरीफ रखिया करो जो लड़ लगियां सो तर गईयां वो पार सलामत गईयां जिन्ने इस नगरी अंदर चाती पाई वो कदो गुनेगार हो रही जिन्ने रोगरदानी कीती जिन्ने रोगरदानी कीती कम किते मनमानी वो कदो पार
ਨਾਲ ਸਲਾਮਤ ਗਈਆਂ ਗਰ ਕੋਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੜਪ ਜਾਇਆ ਜੇ ਖਿਲ ਖਿਲਾ ਜਾਇਆ ਜੇ ਆਓ ਲੋਗੋ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੋ ਆਓ ਲੋਗੋ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੋ ਤੇ ਖੜਾ ਜਹਾਂ ਆਜ਼ਮ ਹਮਦੀ ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸੁਣੋ ਆਵਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦੀ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਜਾ ਓਏ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੰਨਤ ਚਾਹਨਾ ਫੱਤਾ ਪਿਓ ਨੀ ਯੋ ਬੇਬੁਕਮੁੱਲਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਸੂਲ ਰਬਾਨਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਚੱਲੀਏ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਐਤਾਂ ਸੁਣੋ ਅਸਿਆਬਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵੀ ਆਖਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਦਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਫਾਤਿਮਾ ਬਤੂਲ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਫਾਤਿਮਾ ਬਿੰਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕਰਕੇ ਗਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਾਤਿਮਾ ਬਤੂਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਤੀਬੇ ਏਸ਼ੀਆ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰੀ ਅਬਦੁਲ ਹਫੀਜ਼ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਅੰਦਰ ਖੁਤਬੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਾਤਿਮਾ ਬਤੂਲ ਉੱਚੀ ਕਹੋ ਯਾਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬੰਦਨ ਬੜਾ ਮੁਖਤਸਰ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਫਾਤਿਮਾ ਬਤੂਲ ਫਾਤਿਮਾ ਬਿੰਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਉਹ ਖੈਬਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁੱਗੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਹੈਦਰੇ ਕਰਾਰਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਉਸ ਚਾਦਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੇ ਹੱਥ ਉਠਾਓ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਥੱਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਮਾਂਗਾ ਯੁਰੀਦੁੱਲਾ ਹੁਲੀ ਉੱਚੀ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਜਾਓ ਉੱਚੀ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਮਾਂਗਾ ਯੁਰੀਦੁੱਲਾ ਹੁਲੀ ਅਲਕਮਰੀ ਜਸਾ ਅਹਲਲ ਬੈਤੀ ਵਾਯਤ ਹਿਰਕਮ ਤਤਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇ ਮਾਂ ਜੀ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਉਣੇ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਅਸਮਤ ਸ਼ਾਨ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਤੈਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਕੇ ਆਏ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਅੰਦਰ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਚੱਲੀਏ ਹਸਨ ਵੀ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਨਿਵਾਸੇ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਿਹਾਬਾ ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਹਦੀਸ ਅੰਦਰ ਕਈ ਮੁਕਾਮਾਤ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਕਈ ਮੁਕਾਮਾਤ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਸਲਿਮ ਅੰਦਰ ਬੁਖਾਰੀ ਅੰਦਰ
और दीगर हदीस दियां किताबां अंदर हदीस मौजूद है, हसन भी मेरा बेटा ते हुसैन भी मेरा बेटा है। अहले ओए हसन ते हुसैन अहले बैत अंदर भी शामिल ने, मैं कुर्बान जावा ते हुसैन शहादाए च भी शामिल, हुसैन हसन ते हुसैन सियाबा अंदर भी शामिल ने। ते सियाबा कौन सन? कुरान कहंदा है फइन आमन भी मिसली मा अमल तुम भी ही फकद हदद फइन तबल फइन मा हम फी शिता। अल्लाह तुहानूं बोलण दी तौफीक अता कर दे। मैं कुर्बान जावां, कौन नबी दे यार कुरान कहिंदा ईमान इस तरह लैके आओ जिस तरह हसन ते हुसैन लैके आए, ईमान इस तरह लैके आओ जिस तरह अबू बकर उमर उस्मानो अली तलहा जुबैर खुबैब साद सईद और 1.5 लाख सहाबा ईमान लैके आए। मैं कुर्बान जावां और लोगों ध्यान करिया जे कुरान दा दूसरा मुकाम अल्लाह अल्लाह सहाबा दी असमत शान बयान कर रहे हैं। कुरान कहिंदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदैन यबतगूना फज़लम मिनल्लाह मिनल्लाहि वरिज़वाना। कुरान आंदा मुहम्मद यारो ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफार नबी दी फौज नबी दा लश्कर नबी दे सुपाई नबी दे यार आपस अंदर प्यार करने वाले आपस अंदर मुहब्बत करने वाले एक दूसरे दे नाल हमदर्दी करने वाले दुख एक दूसरे ते जख्म ते मलम ते पट्टी करने वाले वा नबी दी ओ यारो मैं कुर्बान जावा जे बदर दा मैदान सी ओ नबी दे यार 313 सी उठे भी रब दी मदद आई ते कुरान ने नक्शा खिचिया वाला कद नासा रब मुल्ला हो भी बदरिन कहो सुभान अल्लाह वाला कद नासा रब मुल्ला हो भी बदरिन अलामा इब्राहिम हादम कसूरी रहमतुल्लाह अलैह ओ क्या करते सन? सुभान अल्लाह मौलवियां दा पेट्रोल होया करदा ते अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेक होया कर दिए ते साथ दे आखरो नाल नाल चलिया करो। मैं कुर्बान जावा कौन नबी दे यार कौन नबी दे वफा कौन नबी दे वफादार कुरान आंदा बाला कद नसरकुमुल्लाह बि बदरिन ओ जिथे रब ने 5000 फरिश्ते नादल कीते बदर दे मैदान अंदर रब दी मदद ते नुसरत भी आई ते गल मुका चलिया आखरी हदीस सुनो कौन नबी दे यार ने। मैं कुर्बान जावा मक्के दा चौंक मेरे नबी दा यार हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हो ने इस तरह मक्के दे अंसारियों ने हजरत खुबैब नु पकड़ रहे है सूली ते चढ़ान लगे ने ते कहंदे ने खुबैब अपनी जुबान चो इन्ना ही कह दे खुबैब इन्ना ही कह दे के तुसी मेरी जागां ते मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु सूली चढ़ान लगे हो। खुबैब असी तेरी जान बख्श देवांगे खुबैब असी तेनू आजाद कर देवांगे खुबैब असी तेनू कुछ नहीं कहांगे। नबी दा यार खुबैब पता की कहंदा है वाह खुबैब मैं तेरी असमत तो कुर्बान जावा। नबी दा यार खुबैब कहंदा ओ मक्के वालियो ए गल कर दियो कि मैं कह दियां अपनी जुबान चो कि तुसी मेरी जागां ते मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु सूली देन लगे हो और मेरे पाक मुहम्मद नु कंडा भी चुबे ते मैं खुबैब नु वो भी गवारा नहीं
वाह खुबैब तेरी असमत तो कुर्बान जावा ते गल मुक चली है। नबी दा यार खुबैब अपने अंदाज अंदर पता ही की आंदा मेरा ता कैद भी अपने अंदाज अंदर कह गया। ऐसा जावन मदीने ते देवी सनेहा अज मेरा मक्के वाले सूली दिता मक्के वाले सूली दिता यार खुबैब अज तेरा। एक एक जुमले अंदर दर्द है समझिया जी गल जल्दी समझ अंदर आएगी। ऐसा बाजा वंज मदीने देवी सनेहा अज मेरा मक्के वाले सूली दिता यार खुबैब अज तेरा। इसे जुर्म थी फाए लाम खुड़िया वाले आ किस जुर्म थी ऐसे जुर्म थी फाए लामन क्यों मैं तेरे संग लाया क्यों मैं एक रब पुजिंदा एहो कसूर खता या। ते नबी दा यार खुबैब कहिंदा तेरे तो ऐ महबूबा लख होवे जिंदवारा कुतरन मेरा ते तामी मुलनहारा। ओ झूठे हो आशिक रसूलो ओ नबी दे यार खुबैब ने पैगाम दिता है दावत दिती है मैं कुर्बान जावा कुतरा कुतरा कुतरन मेरा ते तामी मुलनहारा। ओ यारी लाई खुबैब जई ओ यारी लाई खुबैब जई जिंद जांदी एत जावे पर ना नकस मुहब्बत अंदर हर गिद आवे साढ़े दिल दे अंदर अहले बैत दा भी प्यार है सहाबा दा भी प्यार है। जब तक जिस्म अंदर जान रहेगी मुंह अंदर जुबान रहेगी असी अहले बैत दा तस्करा और सहाबा दी अजमत बयान करते रहांगे। एक अहम ऐलान सुन लो 5 सितंबर बरोज सोमवार शहीद मिल्लत अल्लामा एहसान इलाही जहीद शहीद रहमतुल्लाह अलैह खुड़िया शहर के अंदर कॉन्फ्रेंस हो रही है गल्ला मंडी खुड़िया खास के अंदर जिस के अंदर कायदे मिल्लत इस्लामिया।